नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूँ लाइव टू एक्सप्लोर में। सरप्राइज्ड, हम एक साल पहले ही वापस आ रहे हैं। मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैं इतना जल्दी तो नहीं, ऑब्वियसली 11 महीना तो हो ही गया, लेकिन 1 महीने पहले ही हमको वापस आने का मौका मिला। राइट, ये तो मतलब ईश्वर का आशीर्वाद और आप लोग का दुआ के वजह से ही हो पा रहा है। जब से मैं यूएस आया, यही दिन के लिए ना मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, मतलब कब मुझे मौका मिले फिर से वापस जा सकूं। मतलब मैं इतना खुश हूं अभी, मैं क्या बोलूं, मतलब नाचने का दिल कर रहा है। एनीवे, मैंने पैकिंग वैसे एक हफ्ते से धीरे 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 करके मैंने पैकिंग कर रहा था। बैग वैग सब रेडी है, रूम वूम भी सब पूरा खाली हो गया, अभी बस जाएंगे वापस। मैंने टैक्सी वैक्सी बुक कर दिया। अभी इधर ज़्यादा कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं, हम ये जो ब्लॉग का ना मैक्सिमम पार्ट हम इंडिया पहुंचने के बाद कवर करेंगे, मानी एंड आयुष्मान के साथ साथ, क्योंकि इधर तो हमने ब्लॉग बनाया, आपने देखा, वैसे भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है इधर देखने के लिए, होगा भी क्यों। राइट, हमारा तो पूरा फैमिली वाला ही ब्लॉग रहता है। तो बस चलो फिर निकलते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं यार, थोड़ा अच्छा हवा थोड़ा खाते हैं, मस्त, मतलब समर वाला सीज़न है लेकिन मस्त वेदर है बाहर। तो मैंने टैक्सी बुक कर लिया है, आ रहा होगा, कुछ 12-15 मिनट दिखा रहा था, तो निकलते हैं फिर। बाप रे, काफ़ी धूप है भाई। अभी जस्ट 1 ही महीना हुआ इधर, ऐसा वेदर हो गया, 35 डिग्री के ऊपर जा रहा है टेम्परेचर इधर भी, और इधर तो कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत ही हार्श हार्श वेदर है पूरा, बहुत गर्मी है करके। हमारा उधर तो ओडिशा में 42 के ऊपर, 45 उसके ऊपर भी चला जाता है कभी कभार। लास्ट ब्लॉग में जब बोला ना, मतलब कब मैं वापस आऊँगा, उसका कमेंट देख के तो मतलब लगता है कि आप लोग का भी मतलब इतना इंतज़ार है, आप भी बेसब्री से आप इंतज़ार कर ही रहे हो हम कब वापस आएँ फिर से इंडिया में ट्रैवल करें। लेकिन उसमें भी ऐसा बहुत सारा तो नहीं, एक दो कमेंट्स आया, और मुझे पर्सनली भी लोग पूछते हैं यार, मतलब क्यों वापस आ जा रहे हो। राइट, फैमिली को आप उल्टा फैमिली लेके आ जाओ यूएस में, यूएस में सेटल हो जाओ, या यूएस में उसका आयुष्मान का स्टडी करो, या उसका फ्यूचर का बारे में सोचो, ये सब आता है। देखो, मैं वैसे भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सोचा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूँ, और मैं कोई भी चीज़ मेंटल के लेवल पे, माइंड के लेवल के पे मैं डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेता। मुझे अगर दिल से कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो मैं उसके ऊपर मतलब आगे नहीं बढ़ता, और मैं कन्विंस नहीं हूँ, मतलब दिल से मैं कन्विंस नहीं हूँ वो चीज़ के लिए कि इधर आके सेटल हो। आपको पता है हमारा इंडिया में भी, राइट, पेरेंट्स और बच्चा, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जॉब करता है, शादी वादी होता है, एक जनरेशन गैप होता है। राइट, इंडिया में भी पेरेंट और बच्चे का जनरेशन गैप समझ में आता है, वो थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट तो होता ही है फैमिली लेवल पे। आप सोचो यूएस आने के बाद जनरेशन गैप के साथ साथ कल्चरल गैप हो जाएगा, एकदम भयंकर चेंज होता है कल्चरल गैप में। जो फैमिली वैल्यूज़ होता है, हम जो रिलेशंस को वैल्यू करते हैं, राइट, इंडिया में ये एक डिफरेंट लेवल का इधर चेंज है। राइट, एकदम चेंज है। और जो बंदे इधर स्टे कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ग्रो करके ये कर रहे हैं, वो शायद थोड़ा बहुत समझ पाएंगे उसकी बात, लेकिन मैंने पर्सनली चीज़ों को नोटिस किया, देखा भी। आई डोंट फील यार, मतलब इतना ज़्यादा गैप हो जाने के बाद, अभी देखो आयुष्मान भी, जब भी उसको मैं बात करता हूँ कि इधर लाने के लिए, राइट, ही बहुत अपसेट हो जाता है, और उस वो 10 साल में है तो समझता भी है। उसको मानो मैं ज़बरदस्ती इधर लेके भी आ गया, फ्यूचर में कभी भी ऐसा हो सकता है, अगर कुछ भी चेंजेस आया ना तो बोलेगा कौन बोला था मुझे यूएस लाने के लिए, आप यूएस लेके आए, कल्चरल चेंजेस हुआ, और इधर उधर का भी जो कुछ भी आप नोटिस कर रहे हो ये तो आपकी वजह से, आप ही लेके आए थे। तो और ये सोचो यार, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन में, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता है, मतलब 1% का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा इंडिया में अगर कोई बच्चा ग्रो हुआ, इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन, ये होलसम ग्रोथ होता है उसका, मतलब वो सारे चीज़ नोटिस करता है, चैलेंजेस के थ्रू होके जाता है, बहुत सारा चीज़ देखता है, लाइफ देखता है, उसका होल लाइफ ना एक स्ट्रगल चैलेंजेस के थ्रू बहुत बेहतरीन ढंग से वो ग्रो होता है।
और जो बंदा इंडिया में रह के उसका एजुकेशन होके ग्रो कर गया, दुनिया का कोई भी वर्ल्ड में कोई भी जगह पे वो आराम से एडजस्ट होकर रह सकता है। दैट इज़ नॉट द केस इन यूएस। यूएस में कोई बंदा ग्रो होता है उसको भेज के देखो किधर, अगर हार्श कंडीशन में वो अगर रह गया ना, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा उसके लिए, नहीं हो पाएगा। और एक फैक्ट की बात करता हूँ, हर 6 में से एक एडल्ट इधर डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार है। आपको क्या लगता है, यूएस इतना बड़ा मतलब पैसा वाला कंट्री, इसमें हर 6 में से एक बच्चा डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार है एडल्ट में? तो डेटा तो नहीं बता रहा कि इधर लोग खुश हैं आके, और ये मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ, ये यूएस गवर्नमेंट का डेटा है। तो ज़रूरी नहीं है आप यूएस में रहो, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि यूएस आने में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूएस में रहो, इंडिया में रहो, किधर भी रहो, मेंटल जो बोलते हैं ना, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बच्चा कैसा बड़ा होता है, उसको क्या इंटरेस्ट है लाइफ में, वो ज़रूरी है। तो ये सब के ऊपर ज़्यादा फोकस करके उसका एजुकेशन, और इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। तो एनीवे काफ़ी लंबा हो जा रहा है, देखो अभी बात बात करके ही, क्योंकि इसके ये टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना, ऐसा एक ब्लॉग उसको लिए डेडिकेटेड ब्लॉग बहुत मतलब आवर्स ऑफ टाइम चाहिए यार। चलो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आता ही होगा, मैं सामान लेके आता हूँ। Hello, how are you? Morning. Can you help with something? Yeah, I just need to. Okay. Thanks a lot. You are well. एक घंटे के आसपास लगेगा एयरपोर्ट, 1 आवर का डिस्टेंस है। थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए, 1 घंटा वेट करेंगे, चेक इन गेट चेक इन के लिए ओपन होगा, फिर जाएंगे। अच्छा फ्लाइट है 4:30 को। हो गया चेक इन, अभी सिक्योरिटी चेक होके जाएंगे, गेट में इंतज़ार करेंगे। जल्दी आने का यही फ़ायदा है कि क्यू में नहीं लगना पड़ा। जैसे ही चेक इन शुरू हुआ, हमारा हो गया टिकट, आई मीन बोर्डिंग पास, टिकट तो हो ही गया था। चलो सिक्योरिटी चेक पॉइंट है तो वीडियो नहीं लेते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं, सीधा गेट पे मिलते हैं। हो गया हमारा सारे फॉर्मेलिटीज, सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया, अभी क्या थोड़ा रिलैक्स करेंगे, 2-3 घंटा तो है ही। वैसे मैं कातार एयरवे से आ रहा हूँ और ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, इधर से लॉस एंजलिस से दोहा कम से कम 16 घंटे का जर्नी, फिर दोहा से बेंगलुरु 4.5 घंटा, तो लगभग 21 घंटे का फ्लाइट है यार। सबसे बोरिंग वाला पार्ट यही है, क्योंकि ट्रेन में बस में एटलीस्ट थोड़ा टाइम पास हो जाता है, राइट, और इसमें तो मतलब ऐसा लगता है कि कब टाइम ख़त्म है, कब घर पहुंचूं। चलो इधर बैठते हैं आराम से, फिर गेट ओपन होने के बाद क्या टाइम पास ही करना है, 21 घंटा बैठ के सोना है, खाना खा पी के सो के, बस वही है। अभी 16 घंटे का एडवेंचर।
देखते हैं, दो तीन मूवी देखेंगे, खा पी के सो जाएंगे, और क्या ही करना है। फिर मिलते हैं हमारे देश में। बहुत सारे मूवी ऑप्शन है, देख देख के जाएंगे। और क्या डिनर है, 6:30 को ही डिनर सर्व कर दिया। बासमती राइस, पनीर है, और ये दाल मखनी है। फिर ये शायद केक टाइप लग रहा है, और ये भी पता नहीं क्या है, स्वीट ग्रीन पीस है उसमें कुछ तो है ये, और एक ब्रेड है। सही है, खाना खाते हैं फिर सो जाएंगे, एक मूवी देखें। लंच टाइम, वैसे इधर लंच कौन सा डिनर कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी तो रात हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा है हम सन को चेस कर रहे हैं। ये पोहा लग रहा है, पोहा के साथ कुछ चटनी वटनी है, फ्रूट्स जूस। सिक्योरिटी चेक इन है, होपफुली शुड बी फाइन। एनीवे अभी तो सनसेट हो चुका है, तो अंधेरा हो चुका है, तो कुछ तो दिखेगा नहीं। मिलते हैं सीधा बेंगलुरु में। पहुँच गए भाई, पहुँच गए। रात का 3:30 बज रहा है, पहुँचते पहुँचते घर तो 6 बज ही जाएगा। ऊबर बुक किया है, चलो, कांट वेट टू गो होम। आयुष्मान लंबा हो गया, मानी पतली हो गई।
पापा कैसे हो गए? पेट थोड़ा कम हो गया। चलो बाद में बात करते हैं, अभी तो थोड़ा स्पेशल मोमेंट है और रात भी है तो सुबह होने दो। बहुत सारा चीज जो आज बन रहा है स्पेशल सब कुछ। वैसे भी स्पेशल कुछ नहीं है, वो जिद वो अमेरिका में जो जो चीज नहीं खाए थे आज वही बन रहा है, वो साग का और ये ड्रमस्टिक का बेसर और मुनी का बेसर। हाँ, ओडिशा स्टाइल में मस्टर्ड पेस्ट में बनाएंगे ये और साग, और ज्यादा नहीं, दाल राइस तो हमारा होता ही है। और आम भी है और पापड़ भी है, सब कुछ है। ऐसा धीरे 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 करके खाएंगे जो उधर खाए नहीं ना। हाँ, एक साल से जो सॉरी 11 महीना। हाँ ठीक है, 11 महीना क्या, एक साल क्या, मतलब एक वैसे साथ में बैठ के खाना ऐसा बनाना वही सबसे ज्यादा वैल्यू करता है, चाहे कुछ भी खाओ साथ में। चॉपिंग पार्टनर मिल गए। हाँ, वेजिटेबल काट ये सब काट करना ना साथ में। आज वैसे संडे है तो पूरा दिन मस्त है, टेंशन नहीं है, रिलैक्स। वैसे मैं आके सोचा था कि थोड़ा बहुत सो जाऊं, लेकिन कहाँ नींद आता यार, इतना दिन के बाद मिले बातचीत करके। आयुष्मान तो फिर उठ गया पूरा। उसका नींद ही नहीं है। वैसे उसका खिलौना दिख गया ना सब नया नया, उसके बाद उसका नींद ही उठ गया। जब से पता चला है कि उसके पापा आएंगे करके उसका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। देखो और एक सरप्राइज भी मिल गया, दो सरप्राइज। ये फ्लाइंग नोवा प्रो है, ये बुमरैंग जैसा है, ये उड़ के वापस भी आता है हमें, और इसमें लाइट भी आता है, पूरा कलरफुल है। दिखा था कैसे करना है। हॉट व्हील भी इधर तो स्टॉक मिलना ही बंद हो गया, मेरे पापा उधर से लाके आए, लेके आए। और ये एक नया वाला है VR सेट आयुष्मान का, क्या दिख रहा है आयुष्मान जी? मुझे पूरा अलग सा दुनिया दिख रहा है। अलग सा दुनिया दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसमें मत घुस जाना डेली, ठीक है? तेरे लिए जस्ट आधा घंटा एक घंटा टाइम पास कर सकता है कभी कभार, नॉट रेगुलरली। ये आग भी खराब होगा और ये वाला आदत ठीक भी नहीं है, ठीक है? ओके, थोड़ा बहुत खेला, अभी पढ़ रहा है क्योंकि उसका यूनिट टेस्ट चल रहा है, और स्टाइल देखो उसका पढ़ने का, सोके। कोई नहीं, चलता है। हो, इतना दिनों के बाद साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। अकेले आप कहाँ भी रुको और कितना भी लग्जरी में रहो या कुछ भी खाना खाओ, जो फैमिली के साथ साथ बैठ के खाना खाने का मज़ा तो मतलब किधर मैचिंग नहीं हो सकता उसका। एनीवे क्या कर सकते हैं, हर चीज़ का जो बोलते हैं ना एक एक समय रहता है। कभी कभार हम दूसरे को दोष देते हैं, कभी कभार खुद के डिसीजन को दोष देते हैं, लेकिन होता तो सब कुछ परफेक्ट ही है ऊपर वाले के हिसाब से, कुछ ना कुछ तो सिखाने के लिए होता है। एनीवे ये जो मोमेंट का ना साथ बैठ के और ये चीज़ जो कि मैंने इतना दिनों से नहीं खाया उसका मज़ा लेते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, आप लोगों से शेयर करूँगा खाना खाने के बाद, इसमें पहले फोकस करेंगे। खाने पे फोकस। टूट श्री जगन्नाथ जी का नाम लेके मैंने तो ब्लॉग शुरू किया था, लेकिन एंड तो पूरा फैमिली के साथ ही करेंगे। लेकिन ब्लॉग एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, मैं हमेशा बोलता हूँ ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस ऐसे ही हुआ। जो हम इतना दिन राइट फैमिली से दूर रहे, हम एक दूसरे से दूर रहे, ये हमारा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था एक एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि पता है इवन मानी उसको मतलब ATM ऑपरेट करना भी नहीं आता था, कभी ATM नहीं गई, हॉस्पिटल ये सब कभी अकेले नहीं रही,
इवन हॉस्पिटल आयुष्मान को लेके जाना था या खुद को उसको लेके जाना था, तो मैं लेके जाता था। मानो इतना डिपेंडेंट कोई 11 महीने एक साल पूरा अकेले बच्चे को लेके उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा, पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ा, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जाना पड़ा, बैंक जाना पड़ा, पीटीएम पेरेंट टीचर्स मीटिंग में अकेले जाना पड़ा, बहुत सारा चीज़ वो खुद मैनेज किया। और मानो आपका पार्टनर अकेले ये सब अगर मैनेज कर लेता है राइट, खुद के ऊपर एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो यार मतलब अकेले भी बहुत सारा चीज़ मैनेज कर सकता है, तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है, लाइफ किधर कभी भी कुछ भी लेके जा सकता है राइट। और मेरा जैसा जॉब जो फेज में होके जा रहा है वो कभी भी इधर उधर चेंज हो सकता है, मुझे फिर से जाना पड़ सकता है, ये सब अभी वैसा ही कुछ फेज चल रहा है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता ज़्यादा। लेकिन वो जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। जैसे आयुष्मान का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे, मामा ये सब आप कर लोगे, मैं हूँ ना वो भी खुद जाके मिल्क लेके आया, अंडा लेके आया, ब्रेड लेके आया, सब फ्रूट्स भी लेके आया, और जो मुझे बोल रहे हैं वेजिटेबल एक एक मुझे सैंपल दे दो पहचानने के लिए क्या क्या तुम बताओगे, तो मैं वो लेके जाऊंगी और वेजिटेबल भी लेके आ जाऊंगा। एनीवे हाँ, और एक चीज़ भाई, हम तो आगे इधर, लेकिन हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, और बिना गाड़ी का कहाँ घूमेंगे, तो पहले वो डिसाइड करते हैं कौन सा गाड़ी लेंगे। वैसे डिसाइड कर लिया है, सब कुछ हो चुका है, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वो भी मालूम पड़ जाएगा। जो भी गाड़ी लेंगे एकदम प्रैक्टिकल क्यों लेंगे उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, क्यों हमने वो क्यों डिसाइड किया वो गाड़ी लेने के लिए, वो उसके लिए सरप्राइज नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। और सिर्फ उसके लिए नहीं है, नेक्स्ट एट वीक्स मतलब 2 महीने का हर वीकेंड फुली प्लान्ड है, बहुत सारा चीज़ बुकिंग हो चुका है, मतलब मस्त ब्लॉग आने वाले हैं। तो कोई भी मानो नया अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे तो बहुत सारा व्यूअर्स तो भाग गए हम व्यूअर्स चले गए और व्यूअर्स भी भाग गए, लेकिन मानो अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप ये वीडियो को इधर उधर शेयर कर सकते हो ग्रुप में, आपको फ्रेंड लोग को बता सकते हो कि वो लोग वापस आ गए और फिर से इंडिया वाला ट्रैवल आपको देखने को मिलेगा। तो बस मुझे लगता है ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया ऑब्वियसली, फैमिली के साथ इतना दिन मिले तो हाँ आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लोगे, लंबा अगर हो गया रहेगा तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फिर से हो गया हमारा तीनों का जय जगन्नाथ, अभी तो साथ में ही जय जगन्नाथ बोलेंगे, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद जो है और आप लोगों का प्यार भी है, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भी है। चलो बाय बाय।